आप देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो, मैं हूं आपके साथ यासिर। भारत ने कुछ सालों में बल्कि कुछ डिकेड्स में जो है 2 मिलियंस बच्चों को खो दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इंडिया लूज मोर देन 2 मिलियंस बेबीज इन रिसेंट डिकेड्स। ये खबर बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि फिर ये अच्छी खबर क्यों है। ये हमारे लिए अच्छी खबर है, बल्कि हमारे ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए ये अच्छी खबर है कि भारत ने कुछ डिकेड्स के अंदर जो है वो 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को खो दिया है। अब इससे पहले आप लोग गुस्सा करें या सोचें कि मैं इसको अच्छी खबर क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको वजह बता दूँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत ने उन बच्चों को खोया है जो बच्चे भारत में पैदा हुए ही नहीं। जी हाँ, खुशखबरी इसमें यह है कि जो चाइल्ड मैरिज रेट्स जो हैं वो भारत में गिरे हैं। जब चाइल्ड मैरिज रेट्स कम हुए हैं तो जो कि कम उम्र की जो दुल्हनें थी वो कम हुई हैं, तो इसलिए भारत में जो प्रेगनेंसीज जो हैं वो भी जो रेट है वो गिरा है। 1990 से लेके 2018 तक जो सर्वे यूके की कंपनी ने किया है उसमें बताया गया है कि चाइल्ड इंडेक्स स्कोर जो है वो बहुत तेज़ी से कम हुआ है। और जब उसको आकलन किया गया तो पता चला कि कम से कम 2 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं भारत में कब जन्मे हैं, और इसकी साफ वजह है कि चाइल्ड मैरिज पे प्रतिबंध लगा है। चाइल्ड मैरिज के जो एक्ट्स आए हैं, चाइल्ड मैरिज के एक्ट्स हों क्या हम बात कर लें, जो 15 साल से 18 साल से एक लड़की की उम्र कर दी गई थी, और जो लड़की की उम्र थी वो 18 से बढ़ा के 21 से कर दी गई थी। तो बहरहाल 1990 से लेके 2018 तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ा है इस चीज़ में। चाइल्ड मैरिजेस कम हुई हैं। क्या हम उसे एजुकेशन का असर कर लें, क्या हम बता दें गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ थी जो लड़कियों को पढ़ाने का और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो थी वो आई थी उसका हम असर कह लें, लेकिन भारत की पॉपुलेशन पे इससे असर पड़ा है। आइए एक इंडेक्स हम आपको दिखा देते हैं कि उस इंडेक्स में कितना असर। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के सामने के, देखिए 1990 से 2016 था 63% था जहाँ पर रेट, वहीं जो है वो 50% रह गया 2000 से 2016 तक, यानी कि 13% का डिक्लाइन हुआ है। वहीं हम बात कर लें प्रेगनेंसीज पे, कितने प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया है, टोटल प्रेगनेंसीज 2000 से 2016 के बीच में ये जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं, काफ़ी गिराहट जो है वो देखी गई है। तो फिर आपने देखा कि किस तरीके से जो आपने के जो बिल्कुल ओवरऑल रेट जो हैं वो बिल्कुल गिरे हैं, रेट जो हैं वो डिक्लाइन हुए हैं, तो एक अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए है। और भी ऐसी अच्छी खबरें हिंदुस्तान के लिए आए, हम ये चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट का जो स्तर गिर रहा है वो स्तर भी बढ़े, और जो पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है वो भी होना ज़रूरी है। जब पॉपुलेशन अगर हमारी कंट्रोल में रहेगी तो एम्प्लॉयमेंट्स जो और जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी हमारे लिए बढ़ेगी। आप बने रहिए द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ, फिर किसी और न्यूज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। जय हिंद। अब दूसरी बनेगी।